हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये दूसरा एपिसोड है हमारे दापोली ट्रिप का। वीकेंड पे हमने ये ट्रिप किया था। पहले एपिसोड में हमने देखा पुणे टू दापोली जर्नी वाया वरांडा घाट एंड बीच रिसोर्ट एट मुरुड बीच दापोली। इस एपिसोड में हम देखेंगे डॉल्फिन व्यू राइड्स एंड अवर रिटर्न जर्नी फ्रॉम दापोली टू पुणे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फर्स्ट एपिसोड एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू टू वॉच अवर सेकेंड एपिसोड। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग में मुरुड बीच का नज़ारा आप देख लो। इतना बड़ा ये बीच है, 4.5 किलोमीटर लंबा फैला हुआ ये बीच है और पानी काफ़ी अंदर चला जाता है लो टाइड में। अभी हाई टाइड है तो थोड़ा ऊपर आ गया है। ये देखिए, ये रिसोर्ट का कंपाउंड वॉल है और पानी का गीला वाला स्ट्रेच आपको इसके आगे भी दिखेगा। तो ये जो पत्थर बड़े बड़े लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं कि पानी पूरा कंपाउंड तक आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जो कोकण एरिया है वो महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया है और ये वेस्ट साइड ऑफ इंडिया है। तो सनराइज तो एक्चुअली हो चुका होगा, लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है सनराइज, क्योंकि हिल्स भी है। तो हिल्स के पीछे से सन अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है और आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सनलाइट इन द वाटर। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर सन आ रहा है और नीचे ये जो रेसिडुअल वाटर है, पानी समंदर का आगे आके जो पीछे चला गया है, तो बचा हुआ जो पानी है उसमें इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और बहुत ही बढ़िया ये सीन है। पीपल आर एंजॉइंग हियर ऑन दिस मुरुड बीच। मैंने कई सारे बीच अभी देखे हैं लास्ट के 2-3 साल में, जिसमें गणपति पुले बीच है, मालगुण बीच है, फिर दिव्यागर बीच है और श्रीवर्धन बीच है, आरवी बीच है, एंड आई फाउंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बीच। खाली टायर है आणि जमीनच आहे इथे अजून। पहले ना वेव के बाद एकदम नीचे टायर जमीन को लग जाते थे जोर से, लेकिन अभी ठीक से चल रहा है। अभी थोड़ा अंदर आ गया है। अभी हम डॉल्फिन देखने के लिए अंदर आ गए समंदर के, और डॉल्फिन जनरली दापोली एरिया में ही दिखते हैं। पीछे सनराइज हो चुका है और ये पूरा हिल्स से सराउंडेड है दापोली। हाँ, थोड़ा हाँ दिख रहे वो उधर। वाओ, ये दिख गया डॉल्फिन। हाँ ये देख सामने। हाँ ये है डॉल्फिन। वाओ, ये वेरी नाइस। हाँ अरे ये बड़ी है, सही। बढ़िया दिख रहे हैं डॉल्फिन्स, मस्त। ये समंदर के अंदर ना इतना आवाज नहीं आता है, किनारे पे ज्यादा आवाज आता है वेव्स का। ये देख सामने, यहाँ पे थी। तो काफी बोट्स आए हैं डॉल्फिन देखने के लिए। ये 2 बोट्स है, ये सही थी। ये देख, तीन चार बार डॉल्फिन दिख चुके हैं अभी तक। इट इज नाइस। यस यस, ये बढ़िया है। अभी वापस जा रहे हैं बीच पर।
ये सामने जो लंबा दिख रहा है वहाँ पे होटल बन रहा है, लाइट हाउस जैसे दिखता है एक्चुअली। यहाँ पे इस रिसोर्ट के जस्ट सामने से डॉल्फिन राइड्स भी आपको मिल सकती है, और जस्ट अभी हमने डॉल्फिन राइड कर ली, आपने देखा डॉल्फिन हमको दिखे, दो चार डॉल्फिन दिखे। उसका प्राइस है 300 रुपीज़ पर पर्सन, 5 साल के नीचे अगर हो तो वो फ्री है, 5 साल के ऊपर अगर किड है तो उसका चार्ज लगेगा। एक 1.5 किलोमीटर वो अंदर लेके जाते हैं और अच्छे से डॉल्फिन दिखाते हैं, तो पूरा ऊपर तो नहीं आया डॉल्फिन, बट जो भी हमको दिखा थोड़े बहुत ऊपर आ रहे थे तो वो डॉल्फिन सबको दिखे। तो यू कैन टेक वेरियस वाटर स्पोर्ट्स एंड डॉल्फिन राइड्स फ्रॉम दिस बीच। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ दो ही ऑप्शन है, मिसल पाव और पोहा, दोनों ले लिया है। टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा, इधर से पब्लिक के लिए एंट्रेंस है मुरुड बीच पर, इधर ही पार्किंग का फैसिलिटी है और यहाँ पे अलग अलग राइड्स ले सकते हैं, कैमल राइड, हॉर्स कार्ट और ये डायनासोर राइड, देन बनाना राइड्स, अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स, स्पीड बोट, और ये सामने जो बोट्स है लकड़ी वाले ये डॉल्फिन राइड्स के लिए है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉल्फिन राइड लिया, मैंने आपको डॉल्फिन बताया। तो ऐसा कुछ है मुरुड बीच, इधर पब्लिक बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रेच है ये बीच का और बहुत ही बेहतरीन है बच्चों के लिए, मस्त एंजॉयमेंट के लिए, और सेफ बीच है, बहुत अंदर तक बीच ही है तो अंदर जाके भी लोग खेल सकते हैं आराम से, रिस्की इतना है नहीं ये बीच खेलने के लिए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ मुरुड बीच। तो चलिए अभी मैं वापस रिसोर्ट में जाता हूँ, इस साइड में आगे ये इधर हमारा रिसोर्ट है, अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी मैं निकलने का तैयारी करता हूँ पुणे निकलने का। इस साइड में भी देखो एक होटल है, होटल मंथन बीच रिसोर्ट, और इसके आगे भी उस साइड में भी काफ़ी रिसोर्ट्स है, लेकिन दिस वन सिल्वर सैंड बीच रिसोर्ट इज़ प्रोमिनेंट वन, और उस पर पूरा नारियल के बाग वगैरह अच्छे से बना के बहुत अच्छा व्यू इस रिसोर्ट से आता है। आई थिंक मुरुड और दापोली साइड का ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट है। तो फ्रेंड्स अभी हम वापस पुणे जा रहे हैं और जाते जाते दापोली के घाट में रुके हैं, देखो क्या ग्रीनरी है यहाँ पे। पूरा ग्रीन एरिया है, बहुत जबरदस्त वेस्टर्न घाट से यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग 2 मिनट के लिए रुके हैं और सामने से एक्चुअली मानसून में यहाँ पे वाटरफॉल होता होगा, लेकिन अभी पानी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कम है पानी, बट मानसून में यहाँ पे मस्त वाटरफॉल एक्चुअली दिख सकता है। तो आप देख सकते हो क्या जबरदस्त इधर ग्रीनरी है, पूरे पहाड़ झाड़ियों से ढके हुए हैं, इस साइड में भी देखो पूरे पहाड़ झाड़ियों से ढके हुए हैं, और वेस्टर्न घाट का सीनरी यहाँ पे मस्त दिख रहा है। चलिए अभी सफर कंटिन्यू करते हैं पुणे के लिए। ये देखो यार, दापोली से महड़ जाते टाइम भी बीच बीच में जो रोड के पैचेस है वो काफी खराब है, ये देखो। तो जब बरांडा घाट से आए थे तब कुछ पैच खराब था, तो इसलिए अभी मैंने तामिनी रूट से, तामिनी घाट से जाने का डिसीजन लिया, बट यहाँ पे भी कुछ कुछ पैचेस खराब ही है, अभी देखते हैं कब तक ये चलता है पैच, फाइनल मेरा डिसीजन मैं देता हूँ थोड़ी देर में आपको कि कहाँ से जाना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम पुणे। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि रोड खराब है और वो थोड़ा पैच जाने के बाद 15-1 मिनट का पैच था, फिर वापस सीमेंट रोड चालू हो गया है, एंड नाउ दिस वन इज नाइस रोड। अभी देखते हैं कितने दूर तक ये रोड रहता है और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है अम्बेट ब्रिज, महाड़ के पास ये अम्बेट ब्रिज है, ये अभी चालू हो गया है। हम फरवरी 2022 में जब आए थे तो यहाँ पे आने के बाद ब्रिज बंद मिला था और फिर हमको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ा था महाड़, बट अभी 2 साल तक ये ब्रिज बंद था,
लगभग 2 साल तक ये ब्रिज बंद था और अभी अक्टूबर 2023 में चालू हो गया है। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पुणे। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पुणे टू दापोली। ये ब्रिज फिर से चालू हो गया है। अदरवाइज आपका 1 घंटा ऑलमोस्ट एडिशनल लगता है फेरी से जाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम पुणे वापस जाते जाते लंच के लिए रुक गए हैं तामिनी घाट में, जो एक होटल है स्पायरा होटल, जहाँ पे नॉर्मली हम हर बार रुकते हैं। पीछे देखो स्पायरा होटल करके, तो यहाँ पे नॉर्मली मैं ब्रेक लेता हूँ। तो यहाँ पे रुकने की 2 रीज़न है। एक तो आप सामने देखो मस्त माउंटेन व्यू है, और घाट रोड पे ये यहाँ पे दूर दूर तक अच्छे होटल नहीं है। और ये एक होटल है जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिलता है, टेस्ट अच्छा मिलता है, गेहूं की चपाती भी वो बना के देते हैं। नॉर्मली इधर होटल्स वैसे कम है इस रोड पे, और जो भी होटल है वहाँ पे आपको घर जैसा खाना नहीं मिलेगा, बट स्पायरा में आपको खाना अच्छा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मली हम ब्रेक लेते हैं। ओके, अब मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज करूँगा फ्रेंड्स। तो जो रोड्स का मैंने कंपेरिजन आपको बोला था कि जाते टाइम हम लोग गए थे वरंडा घाट से और आते टाइम आ रहे हैं तामिनी घाट से, तो अगर आपको दापोली जाना है तो वरंडा घाट से जाते हुए आपको 15-20 मिनट का जो पैच है वो खराब मिलेगा, और दापोली से अगर आप तामिनी घाट से वापस आओगे तो भी 15-20 मिनट का पैच खराब मिलेगा। अगर आप तामिनी से जाते हो कोकण, तो दापोली जाते समय थोड़ा आगे खराब रास्ता है जब आप दापोली के पास जाते हो, और अगर आप वरंडा घाट से जाते हो तब भी वो घाट में थोड़ा खराब पैचेस है। तो नेट दोनों भी रास्ते सिमिलर ही है। अगर आप पुणे में रहते हो तो मे बी यू कैन चूज़ वरंडा घाट रोड देन तामिनी घाट। तो अभी लंच हमारा ख़त्म हो गया है और अभी हम निकलेंगे पुणे के लिए। तो लंच होने तक देखो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे लग गई। अभी यहाँ पे भी शायद रिपीट कस्टमर है, इनका एक रिसोर्ट भी है दिव्यागर में साई बीच रिसोर्ट करके, वहाँ पे भी रिपीट कस्टमर है, मेक माई ट्रिप पे इन्होंने डाला नहीं है। तो चलो अभी मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट योर फीडबैक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।